दोस्तों बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही लोगों की हालत खराब हो जाती है, पर कुछ धुरंधर बच्चे ऐसे सिचुएशन में भी ऐसी बातें बोल देते हैं जिसे सुनकर आप हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। ऑर्डर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे इस लड़के से बोलते हैं कि पूजा तो करके आए हैं, पास हो जाएगा ना भगवान भरोसे। तब लड़का बातों सही कहता है कि पढ़ के हम आए हैं, लिखेंगे भी तो हम ही ना, इसमें भगवान क्या करेंगे। और कहता है टीका तो अपने संस्कार की वजह से लगाए हैं। पर जब रिपोर्टर पूछती है क्या बनना है, तब इस भाई साहब ने जो बात बोली वो सुनिए। पूजा उजा आप करके आए, टीका लगा के आए, पास हो जाएंगे ना भगवान भरोसे। भगवान भरोसे कैसे, हम लिखते हैं तो भगवान क्या करेंगे। तो पूजा करके आए जी ना, ये मेरा संस्कार है। अच्छा अच्छा, ये बताइए क्या बनना है। पापा बनना है, पति बनना है। पापा और पति बनने के लिए आई जी, इसी तो इसी से अच्छी लगती है। एकदम आपकी नियन मिल जाता, आपकी नियन मिल जाता। क्या सोच रहे, तेरी मानना पड़ेगा। इस वीडियो में रिपोर्टर पूछती है क्या कोई मैडम थी कि नहीं क्लास में, तो भीड़ के बीच से ये जनाब क्या कहते हैं जरा सुनिए। कोई स्कूल में मास्टर कुछ पढ़ा ही नहीं रहा था। कोई स्कूल में कोई मैडम थी कि नहीं? नहीं। क्या बीमारी धल है मैडम के? मैडम को कौन सा बीमारी पकड़े हुए? लभेरिया के। इस महान स्टूडेंट से समझ नहीं आ रहा ये भाई साहब एग्जाम देके आ रहे हैं या अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाकर। जब रिपोर्टर इनसे पूछता है कि कैसा गया एग्जाम, तब ये कहते हैं मस्त, बहुत मस्त। फिर बात जब बायोलॉजी सब्जेक्ट की आती है, तब इन भाई साहब को इनकी गर्लफ्रेंड कैसे याद आती है, देखिए जरा इनको। कैसा गया एग्जाम? बहुत मस्त गया, बहुत मस्त। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जैसे बायोलॉजी के नाम लेते तो गर्लफ्रेंड का याद आता पहले। क्या है बायोलॉजी ऐसी चीजें है, पहले मेरा गर्लफ्रेंड का बहुत याद आता। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, जैसे रिपोर्टर इस बच्चे से बोलता है कि टीचर बोलते हैं कि 70% अटेंडेंस चाहिए और क्यों चाहिए, जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो जरा इस बच्चे का जवाब सुनिए ये क्या बोलता है। कहता है कि 70-80% अटेंडेंस चाहिए तो क्यों चाहिए, पढ़ाई नहीं होता तो क्या करे, वो सब पढ़ाई नहीं कराते, टीचर लोग प्यार मोहब्बत करते रहता है। टीचर लोग प्यार मोहब्बत करते रहता है, टीचर लोग प्यार मोहब्बत क्या, वहां बैठ के प्यार मोहब्बत करता है, टका करेगा। इस बहन से मिलिए, जब रिपोर्टर एग्जाम देकर लौट रहे दीदी से पूछती है कि गवर्नर कौन है, तब इनका जवाब सुनिए। दोस्तों अब इस महान लड़के की वीडियो देखिए, जब रिपोर्टर इस लड़के से पूछती है कि कैसे दोगे एग्जाम, तब ये भाई साहब कहते हैं हाथ से, मतलब दिमाग देख रहे हो ना लड़के का। फिर लड़का कहता है बिहारी है, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं। तो रिपोर्टर मैडम कहती है एग्जाम तो है अंग्रेजी का, तो कैसे दोगे एग्जाम। फिर ये जनाब क्या कहते हैं, आप खुद ही सुनिए। कैसे दोगे एग्जाम, कैसे दोगे? हाथ से। हाँ तो पढ़ के आए हो? पढ़े लिखे नहीं है, बिहारी है, हिंदी खाई जाते, इंग्लिश नहीं है, अंग्रेजी। रुको जरा, सबर करो। फिर एग्जाम है अंग्रेजी का, कैसे दोगे अंग्रेजी का एग्जाम? दोनों बंद करेंगे, कलम से रगड़ देंगे। अब इन भाई साहब से मिलिए, इनसे रिपोर्टर पूछती है क्या लिखे थे, तो ये लड़का कहता है लिखे थे जो आया लिखे हैं। और जब रिपोर्टर कहती है बिना पढ़े क्या ही लिखे होंगे, तभी अचानक से एक महान विद्वान की एंट्री होती है, जो कहते हुए आते हैं कि जो पूछना है हमसे पूछिए। तब रिपोर्टर कहती है कि लव लेटर तो नहीं लिखे हो ना, तो इस लड़के की बात सुनिए। बिना पढ़े क्या लिखे थे? लिखे थे जो आया वो लिखे, जो आया बिना पढ़े आता भी नकली लड़का बहुत है, हमसे पूछे ना। हेलो, उसको सांस लेने देवे, पेपर में लिख के लव लेटर नहीं लिख के आ गए, आपको चाहिए तो बोलिए, ऐसे तो हम आंसर लिख के आए। रात में कोई लड़ चाहिए ना, इसलिए नहीं पढ़े रात में, डिस्टर्ब और बात करने लगे। पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? रात में पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी, तो एग्जाम के दिन भी मतलब गर्लफ्रेंड से चैटिंग करना जरूरी? अरे गर्लफ्रेंड रुक जाएगी, गलत हमेशा होते रहता है, गर्लफ्रेंड रुक जाएगी तो वापस नहीं आएगी। क्या सोच रहे तेरी?